हेलो गाइस, पीयू कारवल के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपको कोई गाड़ी नहीं दिखाएंगे, बल्कि गाड़ी का इन्फॉर्मेशन कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा ये, और आप लोग स्किप करेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज और जानकारी आपके हाथ से छूट सकता है। तो बात करते हैं गाड़ी के पेपर वर्क के। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले हमें किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए ताकि आप किसी स्कैम में ना फंस जाए। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग इसे देखिए, और पुरानी गाड़ी अगर खरीद रहे हैं या कोई खरीद रहा है तो उनको सजेस्ट करिए क्या क्या चीज़ पहले चेक करिए पेपर वर्क में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए काम की बात करते हैं, काम की बात और आपके लिए, ठीक है। गाड़ी में देखिए क्या क्या पेपर होता है। पहला तो होता है स्मार्ट कार्ड, आरसी जिसको भी बोलते हैं, ब्लू बुक भी कुछ लोग बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म भी उसको बोला जाता है, फॉर्म 23। दूसरा होता है गाड़ी का रोड टैक्स, जो हम लोग रोड पे चलते हैं और जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को जाता है, वहाँ पे हो गया रोड टैक्स। एक होता है इंश्योरेंस, खुद के सेफ्टी के लिए भी होता है और दूसरों के सेफ्टी के लिए भी कार का इंश्योरेंस कराया जाता है, ये कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और दूसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन इसलिए किया जाता है क्योंकि कहीं आपका गाड़ी जो चल रहा है रोड पे कहीं पोल्यूशन तो क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए पोल्यूशन कराया जाता है। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, इसका मीनिंग होता है PUCC का। तो ये चार चीज़ का बात तो मैंने कर ली है, और उसके बाद बात करते हैं गाड़ी खरीदने से पहले, सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं तो उससे पहले क्या क्या चीज़ हमें देखना है। इंश्योरेंस, टैक्स, पॉल्यूशन, ये वैलिड है कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा। कैसे चेक करेंगे मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा है गाड़ी लेते वक्त, आप जब लेंगे गाड़ी तो उस टाइम कहीं फाइनेंस तो नहीं है। अगर प्रीवियस ऑनर ने अगर गाड़ी फाइनेंस कराया था तो आपको उन्होंने बैंक NOC दिया है कि नहीं, वो भी चेक कर लिया जाएगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है बहुत सारा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सपोज करिए आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं और वो फाइनेंस में है, तो ऑनर से आपको लेना पड़ेगा फॉर्म 35 और लोन क्लोज का लेटर। ये बैंक के थ्रू मिलता है, जब लोन क्लोज होता है तो बैंक ऑलरेडी सेंड कर देता है। और गाड़ी जब पुरानी गाड़ी खरीदेंगे तो और नाम ट्रांसफर में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा होगा फॉर्म 29-30। अगर आप अदर स्टेट के कस्टमर हैं तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गाड़ी का फिटनेस, जब बेसिकली गाड़ी निकलता है शोरूम से तो 15 साल का फिटनेस मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब एक गाड़ी आप 15 साल तक आराम से चलाएंगे, उसके बाद 5 ईयर्स का CF होता है, मतलब ये फिटनेस सर्टिफिकेट कराना पड़ता है, मतलब आपकी गाड़ी रोड पे चलने के लिए फिट है या नहीं वो भी चेक होता है। अगर आपका गाड़ी एकदम फिट है तो आपको 5 ईयर्स और मिलेगा। मतलब अभी के गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से जो नया रूल आया है 2021 में, कि आप गाड़ी मैक्सिमम 20 ईयर्स तक ही ड्राइव कर पाएंगे। उसके बाद अगर आपका गाड़ी सही होगा तो आपको फिटनेस सेंटर लेके जाना होगा, अगर वहाँ से वो लोग अप्रूव करते हैं तो उसके बाद आपको एक ग्रीन टैग जमा करना पड़ेगा, वो अलग मैटर है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो अभी बस ये बात करते हैं, मतलब पुरानी गाड़ी लेनी है तो कैसे क्या चेक करेंगे। सबसे पहले सपोज करिए आप vahan.nic वहाँ पे जाके गाड़ी का डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि गाड़ी का टैक्स कब तक पेड है, इंश्योरेंस कब तक पेड है, पॉल्यूशन कब तक वैलिड है। ये सारी चीज़ें हमको गवर्नमेंट के वेबसाइट और गवर्नमेंट के ऐप पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का जो ऐप है उस पर आपको चेक करके दिखाता हूँ। आप प्ले स्टोर से एम परिवहन या कार इन्फो तो प्राइवेट ऐप है लेकिन उसमें भी डिटेल्स आपको मिल जाता है। तो एम परिवहन का जो ऐप है हम लोग उसमें जाएंगे और वहाँ से आपको चेक करके बताते हैं। देखिए मैंने ये गाड़ी नंबर WB062800 यहाँ पे इंटर किया, तो कौन सी गाड़ी है, वेरिएंट कौन सा, ये मेरे को ऊपर में पता चल गया।
और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, इंश्योरेंस कब तक है, यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस वैलिड कब तक है वो दिखा रहा है, टैक्स वैलिड अप टू लाइफ टाइम, यहाँ पे टैक्स की वैलिडिटी पता चल जाएगी, पोल्यूशन कब तक है वो भी पता चल जाएगा। और ये तो हो गया, आप एम परिवहन में चेक कर लिए। अगर यहाँ पे भी कुछ डाउट हो रहा है तो आप क्या कम करेंगे, आप सीधे वाहन.nic है ऐप, हाँ ये सारी चीज पुरानी गाड़ी जब हम खरीदेंगे ये चेक कर लेंगे, उसके बाद गाड़ी फाइनेंस है कि नहीं वो हम ऐप में ही देख लेंगे। तो उसके अब देखिए आपको पता करना है गाड़ी फाइनेंस है कि नहीं, वो हम कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है ऐड टू डैशबोर्ड फॉर वर्चुअल RC, ठीक है। जब जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे, चेसिस नंबर और इंजन नंबर हमको लास्ट 4 डिजिट देना होगा, उसके बाद ये डिटेल्स आपके ओपन हो जाएगा। ऑनर का नेम क्या है और चेसिस नंबर, इंजन नंबर, टैक्स, इंश्योरेंस, मतलब सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और अगर गाड़ी फाइनेंस रहेगा तो यहाँ पे फाइनेंसर का नेम दिया रहेगा। यहाँ पे देखिए ये गाड़ी फाइनेंस नहीं है तो इसलिए यहाँ पे NA करके लिखा हुआ है। अगर गाड़ी फाइनेंस होता तो यहाँ पे जिस बैंक का फाइनेंस है उस बैंक का यहाँ पे नाम दिया होता। मैं आपको एक गाड़ी और अभी दिखा रहा हूँ, उस गाड़ी को आप चेक करिए, वो गाड़ी आपको पता चल जाएगा। अब देखिए जैसे ये गाड़ी फाइनेंस है तो यहाँ पे फाइनेंसर का नाम दिया हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। अगर गाड़ी फाइनेंस रहेगा तो आप यहाँ पे बैंक का नाम चेक कर पाएंगे। कोई गाड़ी का लाइफ टाइम टैक्स है तो लाइफ टाइम का मतलब होता है 15 साल, लेकिन वो टैक्स कब पे किया गया है, सपोज करिए आप वो टैक्स अगर 2015 में पे किए हैं लाइफ टाइम या वन टाइम लिखा हुआ है तो वो 15 साल ही वैलिड रहेगा, मतलब 2015 से 15 साल ऐड करेंगे तो 2030 तक होगा, ठीक है। लाइफ टाइम का मतलब 15 साल ही होता है और यहाँ पे 5 साल का भी टैक्स जमा होता है। हालांकि अभी वेस्ट बंगाल में लाइफ टाइम टैक्स बंद हो गया है, तो जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उन पे लाइफ टाइम टैक्स अभी वैलिड है, बट अभी नया अगर हम पे करना चाहेंगे तो वो टैक्स जमा नहीं होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे गाड़ी पे कोई केस है कि नहीं, रास्ते में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं सब में ट्रैफिक केस होता है, कोई नो पार्किंग का केस होता है तो कोई हाई स्पीड का होता है तो कोई ट्रैफिक का भी केस हो सकता है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, आप अगर वेस्ट बंगाल के हैं तो आपको कोलकाता ट्रैफिक पुलिस इंटर करना पड़ेगा, वहाँ पे गाड़ी नंबर डालेंगे, लास्ट चेसिस नंबर डालेंगे 5 डिजिट का जो कि आपके RC में लिखा होगा, या आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वहां पे अपना नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद आपको एक OTP आएगा, OTP इंटर करने के बाद आपके गाड़ी पे केस है या नहीं वो आप देख सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए अभी आपको एक दिखा दे रहा हूँ, देखिए मैंने इंटर कर दिया यहाँ पे, मैं आप कैमरा देखिए लैपटॉप घुमा देता हूँ, यहाँ पे कोलकाता ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। आप इंटर करेंगे वहां पे केस डिटेल आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे हमको गाड़ी नंबर डालना है, मैंने गाड़ी नंबर जो मेरे पास RC है डाल दिया और लास्ट 5 डिजिट 6 नंबर, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी भी दिया है बट वो ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए इस गाड़ी पे केस पेंडिंग है और इस केस में क्या होगा, आपको दो चीज देखना पड़ेगा, या ऑनलाइन पे करते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं पे करते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद कोर्ट में चला जाता है, तो फिर उसको कोर्ट से क्लियर करना पड़ता है जो कि काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। अगर ऑनलाइन पे करेंगे तो 100 रुपीज में आप इजिली पे कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया केस का डिटेल। इंश्योरेंस दो तरह का होता है, एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं कि गाड़ी थर्ड ऑनर है तो थर्ड पार्टी, ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड पार्टी का मतलब होता है अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं और आपके गाड़ी से किसी थर्ड पर्सन का नुकसान हुआ है तो उसको आप क्लेम कर सकते हैं, वो पैसा आपका रिकवर होगा। सपोज करिए मैंने गाड़ी खरीदा, ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस थर्ड पार्टी कराया और मेरी गाड़ी से किसी
दूसरे बंदे का कोई नुकसान होता है तो वो जो लॉस होगा वो मैं वहां से रिकवर कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जो गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई होगी और जो उसका जो 12 बज गया होगा उसका कोई पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होता है। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, उसमें आपको प्रीमियम, जैसा आप प्रीमियम पे करेंगे वैसा ही आपको IDV वैल्यू मिलेगा। IDV वैल्यू का मतलब होता है, सपोज करिए आप 10,000 का इंश्योरेंस करा रहे हैं और आपको कंपनी 2,00,000 तक का IDV वैल्यू दे रही है। मतलब अगर आपका गाड़ी चलाते हैं और आपके गाड़ी से आपका नुकसान होता है या थर्ड पार्टी का नुकसान होता है, सपोज करिए आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है वहां से मैं रिकवर कर पाऊंगा, मेरे गाड़ी का लॉस होगा वो भी रिकवर हो जाएगा। तो मैंने इंश्योरेंस का डिफरेंस भी आपको बता दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये चीज तो हो गया। अब बताएंगे आपको कि गाड़ी का ऑनर कैसे चेक करें, मतलब गाड़ी फर्स्ट ऑनर है या सेकेंड ऑनर है या थर्ड ऑनर है, ये सब चीज कैसे चेक किया जाएगा। तो इसके लिए ये एम परिवहन में आपको नहीं मिलेगा, वाहन में भी शायद नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको जो प्राइवेट ऐप है कार इन्फो और भी बहुत सारी ऐप है उसमें आप चेक कर पाएंगे। इस व्हीकल, अब यहाँ पे मैंने गाड़ी नंबर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, ऑनर का नेम क्या है और यहाँ पे ऑनरशिप मेंशन है, सेकेंड ऑनर है, ठीक है। यहाँ से आप ऑनर का चीज चेक कर लेंगे और कौन से RTO में गाड़ी रजिस्टर्ड है वो भी इसमें दिखा। और अगर आप वेस्ट बंगाल के बाहर के कस्टमर हैं, आप कोई गाड़ी परचेस करते हैं, अगर आपको वहां का लोकल नंबर लेना है, सपोज करिए आप झारखंड के हैं, ठीक है, और आप वेस्ट बंगाल से कोई गाड़ी खरीदते हैं और आपको झारखंड नंबर लेना है, तो उसके लिए आपको वेस्ट बंगाल से RTO से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो NOC आप अपना लोकल RTO में सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको वहाँ का लोकल टैक्स जमा करना पड़ेगा, मतलब उस RTO का, उस गवर्नमेंट का जो रोड टैक्स है वो पे करेंगे, तब जाके आपको वहाँ का नंबर मिलेगा और वहाँ पे आप नाम ट्रांसफर करा पाएंगे, ठीक है। अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मेरा सेम जगह जैसे वेस्ट बंगाल में ही नाम ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए भी अलग प्रोसेस है, वो भी आप करा सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। कोई आपका क्वेरी होगा तो उसको आप कमेंट करिएगा, वहां पे आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को, मतलब 90% लोगों को पेपर वर्क के बारे में पता नहीं होता है कैसे क्या चेक करना है, तो ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई गाड़ी लेके आऊंगा और उस गाड़ी के बारे में बात करूंगा। और हाँ, पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले क्या क्या चीजें गाड़ी में चेक करनी चाहिए उस पर भी मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो वीडियो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि गाड़ी, जो पुरानी गाड़ी खरीदेंगे, खरीदने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। थैंक यू।